प्रबंधन बोर्ड प्रधान अध्यापक को बर्खास्त कर देता है क्योंकि प्रधान अध्यापक या शिक्षक स्कूल के काम के उद्देश्य से उनके गलत काम का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस तरह के प्रबंधन बोर्ड का क्या उपयोग है, ये सवाल नगरधन गांव के एक स्कूल में देखा गया। स्कूल के समुचित प्रबंधन के लिए हर स्कूल में एक प्रबंधन बोर्ड नियुक्त किया जाता है। हालांकि यदि वही प्रबंधन बोर्ड प्रधान अध्यापक को बर्खास्त कर देता है क्योंकि प्रधान अध्यापक या शिक्षक स्कूल के काम के उद्देश्य से उनके गलत काम का समर्थन नहीं करते हैं, तो इस तरह के प्रबंधन बोर्ड का क्या उपयोग, ये सवाल नगरधन गांव के एक स्कूल में देखा गया है। रामटेक तालुका से ये जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार श्रीमती कंचनमाला मोरेश्वर माकड़े 1996 से स्वर्गीय इंदिरा गांधी विद्यालय नगरधन में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। कोरोना काल में 1 अप्रैल 2020 को उन्हें प्रबंध मंडल द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। हालांकि विधायकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हेडमास्टर के रूप में उनका पद 21 अप्रैल 2020 को रोक दिया गया। माकड़े इनकी पदोन्नति रोक कर सहायक शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दे दिया गया और इस बार उन्होंने बताया कि उस दौरान उनका वेतन भी रोक दिया गया। प्रमोशन रुकने के बाद माकड़े ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस समय उन्होंने हमारे प्रतिनिधि को सूचित किया और बताया कि उन्होंने यानी कि माकड़े इन्होंने अदालत से केस भी जीत लिया है, मात्र प्रबंधन मंडल उन्हें उनका पद देने के लिए अनिच्छुक है। माकड़े मैडम ये स्कूल की एक पुरानी शिक्षिका के तौर पर जानी जाती है। देखा गया है कि विद्यालय में अनेक विद्यार्थियों का स्नेह प्रेम और आदर माकड़े इनके प्रति है। गुस्साए छात्रों ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया कि बिना किसी गलती के माकड़े मैडम को बर्खास्त क्यों किया गया। छात्रों ने तेज आवाज में रोष व्यक्त करते हुए मांग की कि हमें माकड़े मैडम चाहिए। इस मौके पर स्कूल के मैदान में काफी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी देखी गई। जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए स्कूल के छात्रों ने माकड़े मैडम के समर्थन में बोलते हुए कहा कि जब तक स्कूल में माकड़े मैडम के पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक छात्र स्कूल भी नहीं आएंगे। और इसी दौरान कई छात्रों की स्कूल से घर जाने की तस्वीरें भी नजर आई। स्कूल स्टाफ के साथ अन्याय करने का अधिकार प्रबंधन बोर्ड को किसने दिया, ऐसा सवाल अब उठाया जा रहा है। किसी के दबाव में प्रमोशन रुकवाना कितना जायज है, ऐसा सवाल इस समय उठाया जा रहा है। इस मौके पर माकड़े मैडम स्कूल के छात्रों और पूर्व छात्रों ने हमारे प्रतिनिधि को फीडबैक भी दिया। आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया। केसरी उजाला न्यूज के लिए रामटेक नगरधन से रितेश बिरनवाल की रिपोर्ट।